10 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर, कैल्शियम, नो मैदा, 7 ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकी। तो किससे, बिस्किट से बना? वो बिस्किट कह रहा हूँ, मैदा नहीं तो आटे से बना है। 7 ग्रेन्स, मल्टीग्रेन, क्योंकि वो है ना यार, राजू मैच प्रोटीन। पता है तुझे, पता है एक बात, जब से हम YouTube पे भी नहीं थे, कंचन इसकी पेड प्रमोशन करते थे मैक्स प्रोटीन की, बहुत कुछ मिला था मुझे इसका। पेड प्रमोशन ही बाटर था ना वो, नहीं मैंने दे दिया था मेरी फ्रेंड के पास। बाटर था ना वो, बाटर था ना, हाँ बाटर था। इंस्टाग्राम के लिए किया था मैंने ये। मुझे इसके चिप्स भी मिले थे, मुझे इसकी चॉकलेट्स भी मिली थी, और बहुत कुछ मिला था। बट ये किस लिए मंगवाया आपने, प्रोटीन की कमी हो रही है? नॉर्मल बिस्किट नहीं खाऊंगी। My God. डॉक्टर ने वैसे मेरे को प्रोटीन बिस्किट रेकमेंड किए थे, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सीरियस लिया जाए। विधि प्रोटीन, नॉर्मल बिस्किट भी मेरे 5-6 खाई जाते हैं। प्रोटीन खा खा डॉल यहाँ मच्छी ना बना ली मैं थोड़ी, मेरे बच्चे से अच्छे बने। My God, उस बेटी तो सारी जिंदगी का कोटा में लग, एक ही कुकी है पूरी इतनी बड़ी? अरे एक ही कुकी है, कितने की है? दो है, कितने दी एक ये डब्बा? कि तीन है, कितने दी? अच्छा पूरा डब्बा 3.95 की है, मतलब 30 रुपए दी, 33 रुपए दी एक। मैं तो टेस्ट करूंगी, अच्छी लगी तो ले लूंगी। सही है, प्रोटीन का तो गा पाया पे, तुझे सारी जिंदगी का इकट्ठा ही ले लिया मैंने लगता। हां पर लेता ही नहीं पूरी जिंदगी तो प्रोटीन का तो सुंगिया भी नहीं होना। प्रोटीन हेल्दी, हेल्दी खाना, हेल्दी एक अच्छी चीज है। प्रोटीन पूरा करना बॉडी के लिए वो अलग बात है। मैंने इतना प्रोटीन खाया भी नहीं। ये काम कर, घी इतना महंगा आता है, मैंने खाना है वो, ये पूरे दिन का घी है मेरा बचा हुआ है, मैंने तड़का भी मारना है। कटोरी में लगा नहीं, ये फेंकता नहीं, मैं इसको पिघला के मैं कॉफी में भी डालता हूँ, मैं तड़का भी मारता हूँ। कौन सी कॉफी? या काजल उतारना नहीं है क्या, कल का लगा हुआ? नहीं यार उतारना है, कल काफी मैसेजेस आए। बेदी साहब तुसी सारे नु विसाखी दी लख लख मुबारकां, सोनू भी बहुत बहुत मुबारकां। हाँ जी मैसेज आए, मिठाई दे हैं 160 भी उन्होंने, कई लोगों को महंगी लग रही है। ओ यार जो गोपाल गोपाल देता 500-500 दे मिलते हैं, इधर रायकोट का रेट है, और रायकोट तो बाहर निकलूगी तो वो भी 300-400 दी हो जाएगी। लड्डू 400 नहीं लो है, गोपाल से शायद। हां नहीं पर बोल रहे 160 भी महंगी है। महंगी है, मिल गया तो करी सस्ती है। पेंडाले हां तो पेंडाले का हिसाब ना, पेंडाले तो 100-100 रुपए दे मिल जाते हैं लड्डू। सो आज बड़े टाइम बाद धनिया की चटनी बना रहे हैं हम, दो दिन से ला के रखा हुआ था, अभी तक बनाया ही नहीं था। बेदी साहब भी खाएंगे, बेदी साहब का सब बंद हो गया ना, मतलब मैं भी जो भी खाऊंगा आज पूरे दिन में, जैसे वो काला चना वगैरह नहीं, उसमें डाल के खा सकता हूँ ना। अभी भी गोया याद ही नहीं रहा यार, दोपहर को खाने हैं ना। हाँ हो जाएंगे 2-4 घंटे में। पानी ज्यादा डाला है? उतना थोड़ी डाला था, नहीं नहीं ज्यादा डाला है। हाँ कंचन अभी अपने बचपन की लड़की लग नहीं रही है, लड़के ये मैं नहीं हूँ, ये डॉली कौन है इसमें से बताइए? डॉली जो गोदी में, और ये कंचन का है, ये है कंचन, तू ये मुंडा है, तू तो लड़का लग रही है। देखो गाइस ये देखो, ये कंचन है, एक सेकंड। हाँ ये कंचन है, मैं पूरा लड़का ही लगती थी, मेरे बाल ऐसे। कंचन ये धन्नू है, ये तनु है। हाँ। सबकी शक्ल एक जैसी है, ऐसे सबको लड़का बना के रखा हुआ था। कुनाल की ज्यादा मिलती है। हाँ, कुनाल में तो ट्विन्स लगते हैं। तुम सबके कटोरा कटिंग थी बचपन में? ऐसे ही पापा बाल कटवा देते थे हमारे, इतने इतने। नहीं मम्मी पे कोई नहीं गया, मम्मी पे तनु गई है ना, तनु मम्मी पे है। क्या कहते हैं, ये तो लग ही नहीं रही विक्की, गोड्डे देखे छिल्ले मेरे छोटे, मैं बहुत गिरती रहती थी छोटे लड़की जैसे, हम लड़के की तरह ये ऐसे कपड़े बना के रखते थे ना, लेकिन शर्ट ऐसे ही रखा था बस, हमेशा से मुझे बड़े होने तक इतना ऐसे ही रहती थी मैं। आज भी जब इसको कुछ खाने को मना करते हैं ऐसे बैठ जाती है। और मैं आपको दूसरी, मैं ना मैं नहीं कुछ खा रहा, मैं जा रहा हूँ जिम हो गए। चलो बाय बेदी साहब, आर यू फीलिंग गुड नाउ? ओह माय गॉड, चलो कूल डाउन, मैं चल रहा जिम हो गए। सर कैंसिल, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। देख लेते ना।
मिलता है। कोई नहीं, पूछ लेता हूँ, पता कर लेता हूँ। चलो गोइंग जिम। अगर सो गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ जिम के लिए और जा रहा हूँ आज अपनी वाली बिल्डिंग में, क्योंकि मैंने कल वापस आते जिम देखा था अपनी बिल्डिंग में, बड़ा सही है। मशीन्स कंपेरेटिवली कम है दूसरे अपने बाहर वाले जिम से, लेकिन यहाँ पे स्नूकर वगैरह भी है। तो मैंने कंचन के भाई को भी बुला लिया, कुणाल को, स्नूकर भी खेलेंगे बट पहले जिम करेंगे और फिर शायद मैं उसके बाद यही जिम कंटिन्यू करूँ बाहर की जगह, क्योंकि सोसाइटी में सबसे अच्छे है, बढ़िया, मतलब खुला डुला। पहचाना बहन सो गई? अच्छा, आ नहीं रहा था तुम्हारा भाई, शर्मा रहा था, शर्मा रहा था बहुत। हाय, आया है नीचे तो थे बिल्डिंग में अभी। कल हम उधर जाएंगे। गोरी गोरी लग रही है, कुछ मेकअप वगैरह किया है क्या ज़्यादा? क्या मम्मी मम्मी ने पता कैसे कवर किया? वो 12 बजे के बाद तो एतवार आ गया था ना रात के 12 बजे के बाद नया दिन चढ़ गया तो एतवार हो गया ना वो। नहीं, तुम्हारी मम्मी ने ये बोला था संडे को, कुणाल तो गोरा बहुत है बचपन में, बता रही थी कहना तो मैं वही ज्यादा डायरेक्ट नहीं हूँ इसने, हाँ इसने तो इसने तो उठाने से मना करके बहुत बहुत ही ना इसकी तो फोटो देखिए तो लड़का ही लगती मैं हुआ था बस गोरा मैंने एक ही रंग रखा है बचपन से वैसे भी और वैसे भी है वक्त के साथ उधर हम बदलते रहते हैं। हाँ, बस फर्क इतना मैं गिरगिट नहीं हूँ हैं। हाँ, मैं तो बोलने ही वाला था अभी नहीं थी सब गुरुद्वारा सब चल रहे हो असी जाके आ रहे हैं फिर अभी आ रहा बस आ रहे हैं ये उधर रुके नहीं है ये क्या बात हुई रात शाम के 7 तो बज रहे हैं नाइट एंगल है यार मतलब कोयल है सोनी वो उल्लू होते हैं हम तो आपके हस्बैंड नहीं कहना चाहती वो गल अड है देखा हम तो मेरी वाली होंगी वो कहती उल्लू है रात को जागता है कितने बजे तक आ रहे हैं कितनी देर रहेंगे गए चलो बाय बाय मिलते हैं कल उधर 4-5 बजे का ही टाइम रखेंगे वो वाले में वो भी दोपहर को बंद होता है वो भी 12 बजे बंद हो जाता है 12 उसके बाद 4 बजे खुलता है वो कोई 4-5 बजे का ठीक है 6-7 तो बहुत लेट हो जाता है फिर ठीक है हाँ वो धुलवा के रखता हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं दिखाएंगे मच्छी करके दिखाएंगे चलो लेकिन जाना जरूर है।
बस यही अपने को जाके मत्था टेकना है, वापिस आ जाना है। ठीक है, बाकी आके देखते हैं जी रुकेंगे नहीं रुकेंगे, वैसे तो मुश्किल ही है शायद, देखते हैं। कंचन तुमको तुम्हारे फेवरेट लड्डू मिल गए प्रसाद में, तो कितनी अच्छी डेकोरेशन लग रही है, लाइटें वगैरह आ गए, टाइम पे मेरे को समाप्ति ना होगी।